देखो, हम शेयर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे हम सब मिलकर पांच नंबर विधानसभा के आम कार्यकर्ता, आम साथीगण और हमारे प्रभारी पांच नंबर विधानसभा के रघु परमार जी और शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आंदोलन करने जा रहे हैं और वो हमारा हम सब मिलकर स्टेडियम में इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम सीधे राजबाड़ा पहुँचेंगे और राजबाड़ा से हम मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर कार्यालय जिला प्रशासन पहुँचे। हमारा मूल मकसद ये है कि जिला प्रशासन दो तरह का व्यवहार कर रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ झूठे मुकदमे लादे जा रहा, कोरोना काल की पहली लहर रही, दूसरी है, अब तीसरी भगवान के भरोसे, उसमें जिला प्रशासन और सरकार फेल रही पूर्ण रूप से। तो अभी हम परमिशन मांग रहे हैं कि भाई गणेश उत्सव आ रहा है, जैन समाज के प्रवचन आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, गोगा नवमी आ रही है और ईद भी आ रही है, वो तमाम धार्मिक कार्यक्रम अब आना है। हम उसको लेकर जिला प्रशासन से आवेदन निवेदन करेंगे कि भाई हमको परमिशन दी जाए और हमारे लोग धर्म की कार्यक्रम कर सकें, क्योंकि इसी को लेकर हम जिला प्रशासन को, सोए हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन जो है, जिलाधीश महोदय जो है, वह हिटलर के रूप में काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रशासन की जिम्मेदारी नैतिक होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक समान उनको परमिशन दी जाए। एक तरफ राजनीतिक रैलियां हो रही है जहाँ अनशन भीड़ हो रही है, उन पर मुकदमे नहीं लग रहे, एक छोटा सा कोई प्रदर्शन हो रहा है, हमारे चाहे शहर अध्यक्ष जी हो, विनय वागलीवाल जी हो, रघु परमार जी हो और अन्य हमारे नेता हो, शेख अलीम हो, इकबाल भाई हो, सभी हो, तो हमारे पर मुकदमे 10-10, 20-20 लाते जा रहे। तो ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों, उसको लेकर हम निवेदन करने जा रहे हैं।